ओ माय गॉड क्या टीजर है इसका। अमिताभ बच्चन साहब ने तो मजा ही बांध दिया। वेल काफी बेताबी, बिकॉज अगर आप बोल सकते हो बॉलीवुड के ऑब्वियसली लेजेंड एक्टर यहाँ के अगर अमिताभ बच्चन है तो साउथ के भी कुछ कम नहीं है, वहाँ के भी सुपरस्टार है चिरंजीवी सर। सायरा ने मेरे होश और आवाज उड़ा दिए हैं, मैं इतनी मदहोश हो चुकी हूँ सायरा के चक्कर में। बहुत पसंद आया, मुझे लगता है इज गोइंग टू बी वेरी हिट मूवी। अमिताभ सर जाहिर से बात उनको देखकर तो गूज़बम्स आ ही जाते हैं, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर। सायरा नरसिम्हा रेड्डी का जो टीजर देखा, इट्स सच अ फैंटास्टिक, लाइक यू नो बहुत ही बड़े और ग्रैंड स्केल पे ये फिल्म बनाई है। सायरा नरसिम्हा रेड्डी इसका टीजर देखकर आ रहे हैं, आपको कैसा लगा? ओ माय गॉड क्या टीजर है इसका। अमिताभ बच्चन साहब ने तो मजा ही बांध दिया। क्या कपड़े पहने हैं, क्या कॉस्ट्यूम है, ये तो एक पिक्चर सुपर हिट जाएगी। चिरंजीवी साहब ने क्या एक्टिंग किया है, माइंड ब्लोइंग, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस पिक्चर के लिए। अच्छा सर, कॉस्ट्यूम्स कितने पसंद आए आपको सभी एक्टर्स के? अरे मेन तो इस पिक्चर में कॉस्ट्यूम पे ही फोकस दिया गया है कि आने वाले टाइम में लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे तो कैसा चलेगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने तो पिक्चर का टीजर कम और कॉस्ट्यूम ज़्यादा देखा है। तो इसमें तमन्ना भाटिया भी हैं, अमिताभ बच्चन सर भी हैं, उनका लुक कितना पसंद है आप? ओ माय गॉड, बच्चन साहब का लुक तो एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार, बहुत ही बेहतरीन लुक, बहुत ही उमदा, उनकी भाषा में बोला जाता है उमदा कपड़े पहने उन्होंने, बहुत बढ़िया। चिरंजीवी सर ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं ये मूवी बनाऊं, तो आने वाली जनरेशंस को ये मूवी क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए अगर इसको देखा जाए तो इसमें बच्चन साहब ने जो गुरु का अभिनय किया है, लोगों को समझ में आएगा गुरु क्या होता है, आने वाली जनरेशन को मैथोलॉजी में कपड़े कैसे हुआ करते थे पुराने ज़माने के, न्यू जनरेशन को मैसेज बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया है इस पिक्चर में और क्रिएटिविटी तो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही उमदा। 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप टीजर? अगर मेरे घर से जा रहे हैं तो मैं 5 में से 5 दे दूंगा, बट जनता के लिए 5 में से 3.5 तो बनता है। अच्छा ये फिल्म वॉर फिल्म के साथ टकराने वाली है, वॉर फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन दिखने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म ज़्यादा टक्कर दे पाएगी? देखिए साहब, जहाँ बच्चन साहब है मैं तो वहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि वॉर का नाम ही वॉर है, वॉर से क्या मतलब है, हम लोग यहाँ प्यार के लिए हैं कि वॉर के लिए हैं, तो हम बच्चन साहब के साथ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड टशन पे। थैंक यू सो मच। अच्छा सायरा नरसिम्हा रेड्डी इसका टीजर देखकर आ रही हैं आप, कैसा लगा आपको? वेल मुझे टीजर काफ़ी अच्छा लगा, एक क्यूरियोसिटी है टीजर देखे कि अब ट्रेलर कैसा होगा, मूवी कैसी होगी, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। पोस्टर देखने के बाद मुझे लगा था कि ऑब्वियसली इतने बड़े स्टार कास्ट आई है तो कुछ तो धमाका होगा, एंड अब मैं वो धमाके का इंतजार कर रही हूँ। चिरंजीवी सर और अमिताभ सर एक साथ आने वाले हैं, उन दोनों को एक ही फ्रेम में देखने के लिए कितनी बेताब हैं आप? वेल काफ़ी बेताब हूँ, बिकॉज अगर आप बोल सकते हो बॉलीवुड के ऑब्वियसली लेजेंड एक्टर यहाँ के अगर अमिताभ बच्चन है तो साउथ के भी कुछ कम नहीं है, वहाँ के भी सुपरस्टार है चिरंजीवी सर, तो जब दो बड़े बड़े स्टार्स, दो दिग्गज मेगा स्टार एक साथ आते हैं तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर धमाका तो होना ही है। लुक्स की बात की जाए, कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए, तो सब देखा आपने, सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया आपको? वेल मुझे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब ऐसी कोई मूवी बनती है रियल हिस्टोरिक बेस पे तो लोगों को कहीं ना कहीं पुरानी मूवी से कंपेयर होता है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं थग्स ऑफ हिंदुस्तान और बाहुबली वाली फील आ रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि देखने के लिए। सबसे पहली बात कि ये एक ऐसे ही बनाई हुई एपिक ड्रामा नहीं है, ये सच की स्टोरी हुई है, सबको पता है कि ये रियल स्टोरी है, तो ऑब्वियसली जो हमारी हिस्ट्री है वो रिपीट होगी, तो और लोग देखेंगे कहीं ना कहीं उनकी जो धुंधली यादें हैं वो ताज़ा होने वाली है, बिकॉज सबने पढ़ा है लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। साउथ की फिल्म है साहो और साउथ की फिल्म है सायरा नरसिम्हा रेड्डी, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा धमाल मचाएगी? देखो ये तो मूवी का कंटेंट के ऊपर है कि कौन सी मूवी चलेगी, बिकॉज वहाँ पे भी प्रभास है और ऑब्वियसली यहाँ पे भी चिरंजीवी सर है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, और आजकल की हमारी जो ऑडियंस है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें भी पता है कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी नहीं, कंटेंट बेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मूवी का कंटेंट जिस तरीके का रहेगा वो मूवी ज़्यादा कमाएगी। 5 में से कितना स्टार्स देना चाहेंगे आप टीजर? 5 में से मैं 4 स्टार देना चाहूँगी और मैं वेट कर रही हूँ ट्रेलर कब आ रहा है। तो सायरा नरसिम्हा रेड्डी इसका टीजर देखकर आ रही हैं आप, कैसा लगा?
सायरा ने मेरे होश और आवाज़ उड़ा दिए हैं, मैं इतनी मदहोश हो चुकी हूँ सायरा के चक्कर में, बिकॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टीजर्स है जो अभी तक हमने देखा है और इतने ग्रैंड लेवल पे है, मतलब एक से बढ़कर एक नाम है, चाहे आप यू नो अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, चिरंजीवी सर की बात कर लीजिए, खुद रामचरण इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करें, अपने पिताजी को वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जब नरसिम्हा रेड्डी नाम है और स्पेशली अनसंग हीरोज़ के बारे में, क्योंकि जब ऐसी ओवर ड्रामेटिक फिल्म्स आती हैं, पीरियड ड्रामा स्टोरीज आती हैं, तो लोग सोचते हैं कि यू नो थोड़ा बहुत हिस्ट्री दिखाएंगे और ये दिखाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग इसको, मैं ये भी कहना चाहूँ, काफ़ी लोग इसको बाहुबली और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। आप चाहे महाभारत देखो या रामायण देखो, कपड़े सब में सेम होते हैं, लुक सबका सेम होता है, लेकिन स्टोरीज अलग होती हैं, तो यहाँ पे वही बात है। आप बाहुबली देख लो या थग्स ऑफ हिंदुस्तान देख लो, आपको कॉस्ट्यूम्स एक ओवरऑल फील सेम लगेगा, लेकिन वो फिक्शनल स्टोरीज थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है, ये रियल हीरोज की स्टोरी है। भगत सिंह को आप जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई को जानते होंगे, लेकिन नरसिम्हा रेड्डी को नहीं जानते, और वो दिखाने के लिए यहाँ से यू नो ये पूरी की पूरी धमाकेदार टीम आ रही है, और उससे भी बड़ी बात, 5 लैंग्वेजेस में ये फिल्म डब की गई है, तो डेफिनेटली और भी बड़ा यू नो एक पैन इंडिया लेवल का रिलीज इन लोगों ने प्लान किया, तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हुए इस फिल्म के लिए। तो चिरंजीवी सर और अमिताभ सर एक साथ एक फ्रेम शेयर करने वाले हैं, उन दोनों को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब कोई एक भी आता है, जब मुझे याद है जब आमिर खान और यू नो अमिताभ बच्चन जी साथ में आए थे, तभी भी लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे, तो यहाँ पे तो दो इंस्टीट्यूशंस एक साथ नज़र आने वाले हैं, अपने आप में दे आर इंस्टीट्यूशंस और अपने अपने इलाके के दोनों ही यू नो राजा हैं, सो दो राजा एक साथ नज़र आने वाले, वो भी एज गुरु शिष्य, तो वो देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा, कि क्योंकि अमिताभ बच्चन सर की एक छोटी सी झलक दिखाई गई और वो झलक ही अपने आप में बड़ी क्यूरोसिटी वाली है, तो देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि वो कैसे इनके गुरु बनते हैं और क्या स्टोरी है। अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर का गुरु कौन था रियल में, तो काफी लोग जो है वो थोड़ी सी रिसर्च भी करेंगे, यू नो हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसी फिल्मों से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ था रियल लाइफ में, ऐसे कोई पर्सनालिटी थे जिन पर ये स्टोरी बन रही है, लेकिन हैट्स ऑफ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हैट्स ऑफ टू यू नो साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो कि हमें इतना सारा नॉलेजेबल कॉन्टेंट देती है फिल्म के जरिए। सो अमिताभ जी और चिरंजीवी सर को देखने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ साथ। अच्छा मैम, क्योंकि टीज़र का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक और कॉस्ट्यूम्स और कैरेक्टर्स के लुक अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कितने दमदार लगे आपको? जैसा मैंने कहा, बिकॉज यू नो टीज़र था, लेकिन एक तरीके से आप बह जाते हो टीज़र में, सबसे ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि कॉस्ट्यूम्स आप फिर भी लुक आप सामने से देख लेते हो, जब पोस्टर्स आते हैं, जब टीज़र आ रहा है आपको दिख रहा है सब कुछ, लेकिन एक चीज़ जो आपको बांधे रखती है वो होता है पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक, और वो अगर अच्छा है तो डेफिनेटली यू हैव मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि आपने पड़ाव, टीज़र अच्छा निकल गया तो पहला पड़ाव पार हो जाता है और आप ट्रेलर पर आ जाते हो। सो इसका टीज़र की सबसे अच्छी बात यही थी कि यू नो विजुअल से ज़्यादा आप सुन के और ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग अ वॉर, कि आप एक वॉर जोन में बीचों बीच खड़े हो एंड यू आर फीलिंग कि ऐसे आपको अर्जुन बना के चक्रव्यूह के बीच में खड़ा कर दिया गया, तो वो कानों में वो बज रही थी वो आवाज़, दैट मीन्स कि उतना इम्पैक्टफुल है इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, तो थिएटर में तो फाट डालेगा। लुक्स सभी के बहुत अच्छे लगे मुझे, और तमन्ना भाटिया भी बहुत डिफरेंट लुक में नजर आने वाली हैं, तो उनको देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इससे पहले भी वो पार्ट रह चुकी हैं बाहुबली का, तो वहाँ पे भी उनका काम बहुत बेहद अच्छा था। इंडियन सॉरी बॉलीवुड में भी वो काम कर चुकी हैं, टॉलीवुड में तो धमाकेदार हैं ही वो एज एन एक्ट्रेस। अब ये देखना होगा कि इस फिल्म में उनका कितना डिफरेंट लुक है या कितना डिफरेंट अवतार है, बिकॉज लुक वाइज अगर मैं बात करूँ तमन्ना भाटिया मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगी, एवरेज लुक लगा मुझे, लेकिन अगर मैं चिरंजीवी सर की बात करूं, हैट्स ऑफ टू द VFX टीम, हैट्स ऑफ टू द ग्राफिक्स टीम, बिकॉज लग ही नहीं रहा है कि उनकी इतनी एज है, ही इज एग्जैक्टली लुकिंग 22, ऐसा लग रहा है कोई 22-23 साल का लड़का है जिसको यू नो मेकअप लगा के कॉस्ट्यूम लगा के ये करना है, बिकॉज इस एज में भी अगर वो इतने स्विफ्टली सारे एक्शन सीन्स करे, दैट मीन्स डेफिनेटली ग्राफिक्स टीम का भी बहुत अच्छा हाथ है उसमें। सायरा और साहो इस साल की दो बहुत बड़ी फिल्मों में से एक हैं, तो आपको, आप कौन सी फिल्म पे बेट करेंगी? मैं पर्सनली अगर मेरा इंटरेस्ट जानना चाहे तो मैं सायरा पे बेट करना चाहूँगी, बिकॉज आजकल ऑडियंस ना थोड़ी सी चेंज हो गई है, जो चीज़ नहीं होने वाली वो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि यार ऐसे गाड़ियाँ उड़ने नहीं वाली हवा में, देखने सब जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन लोग यही सोचेंगे कि गाड़ी कोई उड़ के नहीं जाने वाली है, ये सब नहीं होने वाला, लेकिन कौन फ्रीडम फाइटर था, क्या उसने जंग लड़ी, कहाँ कहाँ उसने क्या करवाया, जिन लोगों को नहीं पता ये भी बता देती हूँ, नरसिम्हा रेड्डी वो पहले इंसान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा बनवाया था, सो डेफिनेटली इतना महान कैरेक्टर है, उसको जब स्क्रीन पे देखने को मिलेगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन उस तरफ की ओर जाएगा और मेरा झुकाव उस तरफ होगा। साहू भी देखूंगी, लेकिन पहले ये देखूंगी।
अमिताभ बच्चन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका लुक कैसा लगा आपको? अरे अमिताभ बच्चन सर इज़ एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन अपने आप चल के आया है फिल्म के अंदर, तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि उनके कुछ भी ना डायलॉग को रिवील किया गया, बेसिकली कुछ रिवील नहीं किया है, सिर्फ स्टारकास्ट ने ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बताया कि वो उनके गुरु हैं। अब गुरु कैसे बने, गुरु की क्या महानता है, क्या क्या वो करने वाले हैं, अपने स्टूडेंट को क्या क्या सिखाने वाले हैं, स्टूडेंट गुरु का रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, और सबसे एक्साइटिंग जब दोनों लोग एक ही फ्रेम में आएंगे तो सीटियों की और तालियों की जो गड़गड़ाहट होगी थिएटर में वो धमाकेदार होने वाली है। फाइव में से कितना स्टार्स देना चाहेंगे आप टीज़र? फाइव में से टीज़र्स को वैसे स्टार तो दे नहीं पाऊंगी क्योंकि ये इतना ग्रैंड है ना कि इसको पाँच में से पाँच बोलना भी कम लगेगा शायद, लेकिन अभी ट्रेलर बाकी है तो देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर यू नो बेटर लर्निंग, तो हम लोग थोड़ा सा स्कोप छोड़ देते हैं, 4 स्टार्स देते हैं, बाकी ट्रेलर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू मैम। सायरा नरसिम्हा रेड्डी इसका टीज़र देख कर आ रही हैं आप, कितना पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया, लाइक मुझे लगता है इज़ गोइंग टू बी वेरी हिट मूवी बिकॉज सो मैनी स्टार्स आर देयर, बिग स्टार्स, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अच्छा मैम, लुक्स कैसे लगे, कॉस्ट्यूम्स कितने पसंद आए आपको? बहुत अच्छे लगे, एंड कॉस्ट्यूम ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, एंड आई थिंक आई फील इट्स वेरी नाइस, एंड ऑल स्टार्स लुक्स वेरी गुड। आई वॉज एक्साइटेड टू सी अमिताभ बच्चन जी, बट I didn't get to see him, but Chiranjeevi and Farhan Akhtar, great, like. Amitabh sir ka look kitna pasand hai aapko teaser? Bahut achha laga, very good look, yeah. Trailer ka aapko kitna intezaar hai, film ka kitna intezaar hai? Bahut besabri se intezaar hai, dekhne ke. 5 mein se kitne stars dena chahengi teaser? 5 mein se, I think 5 star. बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड टशन पे। सायरा नरसिम्हा रेड्डी इसका टीज़र देखकर आ रहे हैं आप, कैसा लगा आपको टीज़र? बहुत थ्रिलिंग था। हमने जो भी कुछ ऐसे मूवीज़ देखे हैं जिनके ट्रेलर्स ऐसे देखे हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा हिट गए हैं, तो उम्मीद करते हैं इससे भी ऐसे कुछ होगा। तो इस फिल्म में चिरंजीवी सर और अमिताभ बच्चन साथ में आने वाले हैं, उन दोनों को देखकर आप कितने एक्साइटेड हैं? मेन तो ज़्यादा फोकस चिरंजीवी पर ही होगा क्योंकि पूरी फिल्म उन्हीं के ऊपर बनी है और वो प्रोटैगनिस्ट हैं, और अमिताभ सर जाहिर से बात उनको देखकर तो गूज़बम्स आ ही जाते हैं, ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर। उनको गुरु के रोल में देखा जाएगा, थोड़ा कम ही देखा जाएगा क्योंकि उन्होंने मेंशन किया जिस तरीके से आपने सुना होगा कि एक हफ्ते का ही उनको शूट मैक्स टू मैक्स, तो उससे समझ में आ गया कि थोड़ा छोटा ही रोल होने वाला है, बट खैर उनका होना फिल्म में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज लाएगा। जहाँ तक लुक की बात की जाए, कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए, वो कितने अच्छे लगे आपको? जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना किसी के कि यू नो क्या होता है गुड बेटर बेस्ट, आई थिंक ये बेस्ट से कुछ ज़्यादा ही बेटर है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया हमें। ये मैंने बात किया कॉस्ट्यूम्स के बारे में। जहाँ तक बात रही लुक्स के बारे में तो लुक्स माइंड ब्लोइंग, मतलब वो बड़े बियर्ड और बड़े बाल, और मतलब वो शायद हम देखते हैं ना ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े बियर्ड और बहुत बड़े बाल लगते हैं, वो थोड़ा बुरा लगता है, बट मतलब गंदा लगता है, ऐसा लगता है क्या है बाल कटाने नहीं हुआ तेरे को, बट नो दिस वाज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया है शायद, और आई थिंक जो ये देना चाह रहे हैं, जिस एरा का जो ये दिखाना चाह रहे हैं, शायद उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी पब्लिक। तो चिरंजीवी सर ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं इस टॉपिक पर फिल्म बनाऊं, तो आपको क्या लगता है वो आने वाली जनरेशन्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? साइड से बात है, बहुत सारे ऐसे हमारे अनसेड हीरोज रह चुके हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर, लोगों के लिए। तो आई थिंक ये एक्टर्स बींग अ मास इन्फ्लुएंसर, इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑडियंस तक पहुँच पाएँ और उन तक वो मैसेजेस पहुंचा पाएँ जो शायद अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो आई थिंक वही कुछ चाहते हैं नरसिम्हा जी, मतलब नरसिम्हा राव रेड्डी के ये जो फिल्म है सायरा की, उस हिसाब से। अच्छा, टीज़र में बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें सुनने को मिला, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही ड्रामेटिक था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अमित त्रिवेदी हैज़ बाई फार बीन द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन टर्म्स ऑफ कंपोजिंग। तो वो पहुँच ही गए ना, अब तो आप समझ लीजिए अब साउथ के भी इतने बड़े प्रोजेक्ट में आ चुके हैं वो, तो वो बहुत कनेक्टिंग होता है। मतलब ऐसे कि जब हमने बाहुबली भी देखा था तो उसका म्यूज़िक भी इतना अपीलिंग था कि
बोलता ना एक ड्रम बाइट भी हमारे दिल को धड़का देती थी, तो उसी तरीके से अमित त्रिवेदी का ये परफॉर्मेंस भी रहा है इसमें, बैकग्राउंड स्कोरिंग में, इसका म्यूजिक में, कि एक एक चीज़ कनेक्ट हो रहा था, ऐसे रग 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 में ऐसा बोलते ना फील आ रहा था कि हम वहाँ हैं, ऐसा गूज़बम्प्स। या 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे टीजर को? मैं तो 5 से ज़्यादा भी होगा तो फिर दे दूँ, और फिलहाल 5 दे दूँगा मैं। अच्छा एक बात बताइए, वॉर फिल्म के साथ ये फिल्म क्लैश करने वाली है, तो कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा धमाल मचाने वाली है? वेरी टफ क्वेश्चन। जहाँ तक वॉर की बात है तो वॉर के ऑडियंसेस जो हैं वो ज़्यादातर यूथ होंगे मेरा ऐसा मानना है, बट ये सायरा के लिए आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जो ना बोलेगा, बिकॉज इसमें हर एक चीज़ है, और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ऐसे जो टॉपिक्स आते हैं जो हमको प्राउड फील कराते हैं तो वो तो सभी देखते हैं, तो आई थिंक इसका ये एक अपर हैंड रहेगा। और जहाँ तक बात वॉर की है, वॉर का भी अपना जोन है, तो आई थिंक कमेंट्स इस पर मैं नहीं दे पाऊँगा कि कौन ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मैं तो दोनों देखूँगा। सायरा नरसिम्हा रेड्डी, उसका टीज़र देख कर आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? सायरा नरसिम्हा रेड्डी का जो टीज़र देखा, इट्स सच अ फंटास्टिक, लाइक यू नो, बहुत ही एक बहुत ही बड़े और ग्रैंड स्केल पे ये फिल्म बनाई है। दिस फिल्म इज़ अबाउट नरसिम्हा रेड्डी, जो एक फ्रीडम फाइटर थे और वो अनसंग थे, लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो ये फिल्म एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, जिन्होंने ब्रिटिश के सामने अगेंस्ट उन्होंने एक आंदोलन किया था, तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, वो ये फिल्म है। एंड दिस फिल्म इज़ इन सच अ बिग एंड बिग, एक बहुत ही बड़े ग्रैंड वे में ये फिल्म बनाई गई है, एक डिफ़िकल्ट फिल्म है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिस तरह के पूरा जो एम्बियंस बनाया, जो टीज़र में हमने देखा, सुपरस्टार चिरंजीवी, ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नरसिम्हा रेड्डी जी का, तो ये जो टीज़र में हमने देखा, इट वॉज सुपर्ब, लाइक फैंटास्टिक टीज़र यू कैन से। और फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्वानी ने ये फिल्म यहाँ पर लेकर आए हैं, मिस्टर अनिल तडानी जी डिस्ट्रीब्यूटिंग, उन्होंने इसके पहले KGF फिल्म लेकर आए थे यहाँ पर, साउथ इंडियन फिल्म थी, रीजनल फिल्म थी, मगर लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, और हम चाहते हैं कि इस तरह की जो रीजनल फिल्म, अच्छी फिल्में हैं, वो भी हमारे बॉलीवुड, हमारे यू नो बॉलीवुड में आए, हम देखें और एक अच्छा कॉन्टेंट मिले। तो आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ सायरा नरसिम्हा रेड्डी, दिस इज सच अ सुपर्ब फिल्म। और चिरंजीवी के सन रामचरण, ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड ही हैज़ ऑल्सो डन अ फंटास्टिक जॉब। इसके अलावा रवि किशन, मिस्टर अमिताभ बच्चन इज देयर, जस्ट टू बिग मेगा स्टार, यू नो यू कैन से, इट वुड बी रियली अ वेरी बिग ट्रीट टू वॉच, एंड आई एम रियली वेरी ईगरली वेटिंग फॉर द फिल्म टू कम। सर, आने वाली जनरेशन के लिए इस तरह की मूवीज़ एक मैसेज छोड़कर जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कितना सिग्निफिकेंट है इस तरह की मूवीज़ बनाना? डेफिनेटली, बिकॉज अगर हम पहले तो अगर ये कोई सब्जेक्ट ये लोग चुनते हैं या ये लोग जो सब्जेक्ट लेते हैं, डेफिनेटली इट शुड हैव एन वेरी अपीलिंग काइंड ऑफ, यू नो, एक अपील करता होगा, तो इसीलिए उन्होंने सब्जेक्ट की। और ये एक ऐसे अनसंग हीरो के बारे में था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, हिस्ट्री डजंट नो अबाउट दिस थिंग, पर उन्होंने हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कि उन्होंने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की, तो उनके बारे में किसी ने कुछ जाना नहीं है। सच अ बिग बिग पर्सनालिटी यू कैन से, जिन्होंने यू नो अपने देश के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तो उनके लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू। एक जो पेट्रियाटिज्म की जो भावना होती है, वो भी डेफिनेटली हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स, उनको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो एक मूवी एक माध्यम होता है जहाँ से हमारे यंगस्टर्स लोगों को एक जो एक थोड़ी देशभक्ति की जो भावना होती है वो उनको पता चले, एंड आई थिंक सो कि मूवी इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर इट। तो दो बड़े मेगा स्टार साथ में आ रहे हैं, चिरंजीवी सर 10 साल बाद वापसी कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर आ रहे हैं, उन दोनों को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? डेफिनेटली बॉलीवुड मिस्टर बच्चन, एज मिस्टर चिरंजीवी ही हिमसेल्फ सेड, लाइक ही इज़ माय मेंटर, अमिताभ बच्चन मेरे मेंटर हैं, और उन्होंने बताया भी कि मैंने मिस्टर बच्चन से फ़ोन किया कि एक छोटा सा मतलब एक कैरेक्टर जिसमें आपको मेरे गुरु प्ले करना है, तो विल यू डू इट, एंड ही इज़ सच अ हम्बल मैन, मिस्टर बच्चन इज़ सच एन हम्बल मैन, ही सेड कि ओके मैं आई बी डेफिनेटली रेडी टू डू इट, और उन्होंने ज़रा भी सोचा नहीं और उन्होंने एग्री किया,
and Mr. Chiranjeevi himself agrees, like he's such a big star. So two big stars from South, one from the South and one from the Bollywood industry hai. Dono saath mein ek saath aana apne aap mein ek bahut bada ek misaal hai, you can say. To costume mein hame period, is period drama ke, sorry, इस पीरियड ड्रामा के हमें कॉस्ट्यूम्स में बड़ा इंटरेस्ट नज़र आया, बहुत ही डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा होता तो जैसे आपने वो वर्ड ही कहा है कॉस्ट्यूम, तो जो एक वॉर फिल्म है, मतलब जहाँ पर हम एक जहाँ पर एक लड़ाई हो रही है, रन है, तो उसमें तलवार है, जिस तरह की हमारी शील्ड होगी, यू नो, तो जो आर्मर होता है, तो वो सभी चीज़ आप देखोगे तो इट्स नॉट अ वेरी ईजी जो ईजी फिल्म यू कैन सी टू मेक एंड फॉर द एक्टर ऑल्सो, बिकॉज मिस्टर चिरंजीवी ने कहा कि मुझे एक एक से डेढ़ घंटा लगता था जस्ट मेकअप करने में, एंड देर वे शॉर्ट्स वी हैव वेयर यू हैव टू कैरी द स्वॉर्ड विच इज़ रियली वेरी हैवी, एक्शन सीन्स करना है, और अभी अगर उन्होंने खुद ने कहा कि अभी पहले जैसी उनकी उम्र नहीं रही, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उन्होंने सोचा था कि कहीं पर बॉडी डबल से काम चलाया जाएगा, लेकिन नहीं, डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने माना नहीं, उन्होंने कहा यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू, तो बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने लगे अल्टीमेटली ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड के जो स्क्रीन पर इतनी बड़ी फिल्म दिख रही है, जो कैरेक्टर उभर कर आया है वो देख के ही इज़ हैप्पी, एंड कि जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो सब एक्टर्स बहुत ही यूनिक लग रहे हैं, किसका लुक आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगा? डेफिनेटली जो मेन कैरेक्टर है चिरंजीवी जी का, ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, लाइक यू नो पूरी फिल्म उनके ऊपर ही बेस है, उनके ऊपर ही है, ही इज़ प्लेइंग नरसिम्हा रेड्डी, तो उन पर है। उसके अलावा रवि किशन है, यू नो तमन्ना भाटिया, शी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, सुदीप है, एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टार्स हुआ देर। सी इतनी बड़ी फिल्म है तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज़ बीन वेल डिफाइंड, एंड यू कैन, जो टीजर से हम देख रहे थे तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड वेटिंग फॉर द ट्रेलर ऑल्सो एक्चुअली का। तो ये फिल्म वॉर फिल्म के साथ आने वाली है, आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर वॉर को पछाड़ पाएगी? पछाड़ने के लिए देखो, दोनों अलग अलग टाइप की फिल्में हैं, ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ, यशराज फिल्म सच अ बिग बैनर, सच अ बिग फिल्म, उनकी फैन फॉलोइंग अलग है, ये एक अलग तरह की फिल्म है, नो डाउट इट्स अ ग्रैंड फिल्म, तो आई थिंक सो देर इज़ इनफ स्पेस फॉर द ऑडियंस, जो ये फिल्म देखना चाहता है तो ये फिल्म देखे, जो ये फिल्म देखना चाहता है तो ये देखे। हाँ, मगर एक थोड़ा सा क्लैश होने से एक जो बिजनेस वाइज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आई थिंक सो कि इन दिनों मल्टीप्लेक्सेस हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। आज अगर एक नॉर्मल सा जो एक मिडिल क्लास पर्सन है, उसका एक बजट होता है कि मैं एक वीक में एक फिल्म देखूं, तो अभी उसे डिसाइड करना होगा, अगर वो दोनों फिल्म देखना चाहता भी हो तो उसे डिसाइड करना होगा यार विच फिल्म टू सी। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर जो बॉलीवुड वाले हैं और जो यंगस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली दे वुड प्रेफर ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, तो वहाँ पर बढ़ जाता है। मगर अगर सिंगल एक वीक सिंगल रिलीज आती है, तो अगर उनके पास एक चॉइस होता है कि ये फिल्म हमने इस वीक देखी तो अगले वीक में दूसरी फिल्म आ रही, तो आई कैन सी, तो जो दो बड़ी फिल्म अगर आती है एक साथ जो क्लैश होती है, तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे उसका इफेक्ट तो होता ही है। आप क्या एस्टिमेट लगाते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाएगी? वेरी गुड इन ट्रेड, लाइक यू नो ट्रेड एनालिसिस, बट सी अपने अपने तरफ से बिजनेस, बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि दो बड़ी फिल्में अगर एक ही दिन साथ में आए तो बिजनेस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अफेक्टेड। बट क्या करें, पूरे साल में मतलब इतनी फिल्में बनती हैं कि अगर सिंगल सिंगल आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, कि अगर दो बड़ी फिल्में एक सिंगल है तो नहीं हो पाता, उनको रिलीज़ करना, इनको रिलीज़ करता है, रिलीज डेट आगे डालना ऑल्सो बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोड्यूसर। जितनी फिल्म बनकर जल्दी रिलीज़ हो जाए, लोगों को ऑडियंस तक पहुँच जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आई थिंक सो कि दो बड़ी फिल्म आने से बॉक्स ऑफिस पे डेफिनेटली इफेक्ट होता है जी। तो पांच में से कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप टीजर? आई विल गिव टू द टीजर।